आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से दोबारा मैदान में उतरेंगे। उनके अलावा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन शकुर बस्ती से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत नजफगढ़ से तो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया संगम विहार से अपनी किस्मत आजमाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से, दिलीप पांडे तिमारपुर से, पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा राजिंदर नगर से और आतिशी कालकाजी से मैदान में होंगी। पार्टी ने 15 विधायकों का टिकट काट दिया है। पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले राम सिंह नेताजी को बदरपुर से तो कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा के बेटे विनय कुमार मिश्रा को द्वारका से मैदान में उतार दिया है। इनके अलावा शोएब इकबाल को भी पार्टी ने मटिया महल से मैदान में उतारा है। इन महिलाओं को मिला टिकट। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को भी खूब टिकट दिया है। पार्टी ने 70 सीटों में से 8 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है। इनमें सबसे चर्चित राखी बिरलान को मंगोलपुरी से टिकट मिला है तो आतिशी तो कालकाजी से पार्टी ने मैदान में उतारा है। इनके अलावा शालीमार बाग से वंदना कुमारी, राजौरी गार्डन से धनवती चंदेला, हरिनगर से राजकुमारी ढिल्लन, पालम से भावना गौर, आर के पुरम से प्रमिला टोकस और रोहतास नगर से सरिता सिंह को टिकट थमाया है। ये मुस्लिम उम्मीदवार भी आजमाएंगे किस्मत। आपने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। इनमें मटिया महल से शोएब इकबाल, बल्ली मारान से इमरान हुसैन, ओखला से अमानतुल्लाह खान, सीलमपुर से अब्दुल रहमान और मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस अपनी किस्मत आजमाएंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने माना कि पार्टी ने चुनाव की घोषणा के बाद सर्वे करवाया है। सर्वे व ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवारों का